आज ब्रेकफास्ट और टिफ़िन की एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे और वो भी बिना तेल के। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मसूर की दाल। यहाँ पर मैंने 1 कप मसूर की दाल को रात भर भिगो कर रखा है और ये काफ़ी फूल गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अभी हमारा जो काम है, इसे मिक्सी में घुमाकर एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्सी में घुमाकर स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जितना पानी में मैंने इसको भिगोया था उतने ही पानी के साथ मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। पर भिगोने से पहले दाल को अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लें। तो ये देखिए, इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इसके लिए। फिर इसमें ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक। उसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में काटे हुए हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च ऐड करें। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च डाले हैं। साथ में हमें चाहिए धनिए का पत्ता, जिनको हमने बारीकी से चॉप कर लिया है। अभी इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर अगर आपको हरी मिर्च से दिक्कत होती है तो यहाँ पर आप लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे दही 1/2 कप। दही डालना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। तो दही डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दही में काफ़ी ज़्यादा लम्फ रहते हैं तो वो लम्फ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस वजह से इसे अच्छे से घुमाते हुए हमें मिक्स करना है। ज़रूरत हो तो हैंड विस्कर की मदद से भी हम इसे मिक्स कर सकते हैं, पर दही का लम्फ हमें कहीं पर देखना नहीं चाहिए। और एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम पर छोड़ देंगे। पर इसे फ्रिज में ना रखें, नॉर्मल टेम्परेचर में ही रखें। और जब तक 5 मिनट होते हैं तब तक हम इसके लिए मोल्ड सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इडली स्टैंड लिया है। वैसे आपके पास जो भी मोल्ड हो आप उसी में बना सकते हो, पर इसमें काफ़ी आसानी होती है तो इसलिए मैंने इडली स्टैंड लिया है। और इसे थोड़ी सी तेल के साथ ग्रीस कर लिया है ताकि ये ना चिपके। और साथ में इसमें गार्निशिंग के लिए ऐड कर देंगे काजू के टुकड़े। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को जिलियन शेप में काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। ये बस गार्निशिंग के लिए है, इससे हरी मिर्च का फ्लेवर नहीं आते हैं। तो 5 मिनट के बाद इसमें ऐड कर देंगे फ्रूट सॉल्ट। आपके पास कोई भी फ्रूट सॉल्ट हो आप इसे ऐड कर सकते हो। मैंने इनो फ्रूट सॉल्ट डाला है। तो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप नोटिस कर पाओगे कि ये जितना मिक्स होते जाएंगे ये मिक्सचर उतना ही फ्रॉथी बनते जाएंगे और साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हल्का भी दिखने लगते हैं। तो मतलब ये कि ये जो मिक्सचर है इसमें फ्रूट सॉल्ट अच्छे से एक्टिवेट हो गए हैं। तो अब इसे थोड़े थोड़े पोर्शन में जितना आपको ज़रूरत है मोल्ड में इस तरह से डालते जाइए। ये इसे ओवर इसको पोर ना करें, नहीं तो ये बाहर ये और ज़्यादा फूल जाते हैं और ये बाहर निकल के आते हैं। तो इस वजह से बहुत ही ध्यान रखते हुए इस तरह से हमें इसको डालना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और साथ ही साथ ना इसमें तेल है, ना बटर है, ना घी है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, कोई भी इसे खा सकते हैं। फिर इसे सिक्योर कर देंगे और एक बर्तन में मैंने पानी गर्म कर लिया है उसमें इसे डालकर अभी इसे हमें स्टीम करना है। ढक्कन लगा देंगे और ये ज़रूर ध्यान रखिए ढक्कन में एक होल होना चाहिए ताकि बाहर का जो एक्स्ट्रा भाप बनेंगे वो बाहर निकल सके। तो 15 मिनट के लिए इसे स्टीम करने के बाद निकाल लेंगे। पर ध्यान रखिए ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो बहुत ही सावधानी से इसे डीमोल्ड करना है। तो एक एक करते हुए हर एक ट्रे को पहले निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं ये, इसलिए सावधानी ज़रूर रखें। फिर इसमें से एक एक करते हुए सभी को डिमोल्ड कर लेंगे। तो उसके लिए एक चाकू की मदद से इस तरह की इसकी एजेस को लूज़ कर देंगे तो ये अपने आप ही निकल आते हैं। और ये देखिए, मैं एक आपको दिखा देती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से बन के तैयार हो गए हैं। दिखने में एकदम इडली जैसे बन रहे हैं पर ये इडली नहीं है, शेप इसका इडली का है। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। तो घर में इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। जो लोग हल्का फुल्का खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है।
इसे आप स्कूल के टिफिन में दे सकते हो या फिर ऑफिस के लंच बॉक्स में दे सकते हो, घर में ब्रेकफास्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर कभी भी आपको खाना खाने का, हल्का खाना खाने का दिल चाहे तो आप इसे इजीली बना सकते हो। एकदम इंस्टेंट ये बन के तैयार हो जाते हैं। और इसे सर्व करने के लिए आप सांभर का यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी चटनी जो आपको बहुत पसंद हो उस चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। कोई भी सुझाव हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और दूसरा कोई रेसिपी आपको जानना हो तो उसके लिए भी ज़रूर मुझे इनबॉक्स करें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, और ये रेसिपी आपको पसंद आते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आज की ये रेसिपी आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।